बड़का खबर के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के, आवा देखथन खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी पर योजना बनाए के निर्देश दिए हैं। कल हुई बैठक में ये योजना लेके कई महत्वपूर्ण निर्णय ले गई। देखो हमारे खास रिपोर्ट। पांचों दिन के बात करीन तो कई जगह मंच ले प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी ला बचाए बर अपन बात प्रमुखता से रखत रहीस। एकरे चलते सरकार हा ये योजना ला अमली जामा पहनाए के मन बना लिए है, जेला लेके भूपेश सरकार हा कल बैठक घलो करे रहीस। पहली ये योजना ला भिलाई के 4 ठन गाँव म चलाए के टेस्ट करे जाही। ऐसे अनुमान है कि बजट सत्र के बाद ये योजना ला प्रदेश भर में लागू कर दिए जाही। आप मतलब बता दें कि ये योजना मा गांव के गौठान मन ला घेर के ओमा गाय गरुवा ला रखे सेती प्रथम चरण मा डे केयर सेंटर जैसे विकसित करे जाही। ये गौठान मा चरे के बाद गाय गरुवा मन ला दिन भर रखे जाही और हरा चारा देहे सेती चारागाह विकसित करे जाही। गौठान मा चारा और पानी के समुचित व्यवस्था रही। गौठान के देखरेख बर गांव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच गौठान समन्वय समिति बना के घलोक एला संचारित करही। गौठान में गोबर और गौमूत्र इकट्ठा होही, ओकर उपयोग करे जाही। एखर से जैविक खाद और बायोगैस बनाए जाही। बायोगैस के उपयोग गांव के लोगन मन करही और जैविक खाद ला बाजार में बेचे जाही। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। हमारे छत्तीसगढ़ में नरवा नदिया की कोई कमी नहीं है। 12 महीना भैया बहावत है नदी नाला, लेकिन उकर पानी के सही उपयोग हमन नहीं कर सका था। दूसरा, जतका कन हमार जनसंख्या है ओतके कन मवेशी मन के संख्या है, लेकिन आज गाय अब गरु हो गए, बोझा हो गया हमन उनके, सब गरवल ढिल्ला छोड़ देते, खेत ला अलग नुकसान पहुँचाते, फसल ला नुकसान पहुँचाते, और दूसरा सड़क में बैठा थे तो एक्सीडेंट होते, आदमी झपा झपा के हाथ गोड़ टूटा थे, कौन मरा थे, जानवर तक मरा थे। ऐसा स्थिति में हमन है गरुआ बर चारा की व्यवस्था, जिन हमार दहान है गौठान है वोला बढ़िया पक्की बनाबो, ओकर मन के बैठे की सुविधा हो जाए, ओकर चारा की व्यवस्था कर देवो, ओकर पानी की व्यवस्था कर देवो और वो दहान ला घेर देवो, और जिन चरवाहा है राउत मन है तेकरो मन के मानदेय की व्यवस्था कर देवो, तो हमारे जिन फसल है तेन बांच जाही। जिन गांव में चारागाह के जमीन कम है वहां 2-3 गांव के बीच जगह खोज के ओला सामुदायिक तरीके से बनाया जाही। सरकार के मानना है कि गौठान बने से नस्ल में सुधार होही और गरुआ के एक जगह रहे से बुआई करे वाला लोगन मन के काम घलो आसानी से होही। सुधार करबो तो हमार दूध उत्पादन बढ़ जाए, वही मेरे गोबर गैस प्लांट लगा देवो दहानिच में, काबर गोबर सकलाए रही तो दहान मतलब गोबर गैस प्लांट लगा के जिन घर घर में कनेक्शन दे देवो, सस्ता में हमार खाना पक जाए, और वही जिन गोबर है तेकर कंपोस्ट खाद भी बना देवो, वर्मी खाद बना देवो, बहुत अकन जिन से खाद वगैरह बनते तिल करबो, ताकि ओकर से वही ला हम अपन बाड़ी में उपयोग कर लेवो, खेत में उपयोग करबो, तो जिन हमार जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाते तो उर्वरा शक्ति बढ़ी, तो लागत मूल्य हमार कम हुई। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरुवा घुरवा बारी नारे के साथ मैदान में उतरे कांग्रेस सरकार के हाथ में अब सत्ता आए ले ये योजना ऊपर काम जोर शोर से शुरू हो गए। जम्मू कलेक्टर मल्ला निर्देश भी दिए गए है के एकर बर 26 जनवरी तक हर गांव में जमीन चिन्हांकित करे जाए। रायपुर ले प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। नरवा गरवा घुरवा बारी ये योजना के ज्यादा जानकारी बर सीधा जुड़थन रायपुर के ब्यूरो प्रमुख प्रवीण सिंह से और बात करसन के ये योजना मा का होने वाला है आगो। नहीं देखा, ये योजना में का होने वाला है तो विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताई है जरूर, लेकिन एक विश्लेषण अगर ढंग से किया जाए तो यह दो तरफा टारगेट करेगा। एक तो निश्चित तौर पर जो गांव में दिक्कत आवे, बहुत ज्यादा
आजकल देखिया तो हर गांव में पहले कांजी हाउस रहे, कांजी हाउस के हम बंद कर रहे हैं, तो आवारा पशु मन जो हमारे जानवर है तेमन जा जाके हमारे फसल का नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब रखे पर कोई जगह जगह नहीं है, गौशाला के नाम में बहुत जनमन अलग अलग ढंग से हम फायदा भी गलत ढंग से उठाई नहीं, तो आरोप लगातार कांग्रेस लगाते थे। तो दो तरफा एक नाने के कि एक तो सशक्तिकरण जो हमारे गांव के रहने वाला है, चाहे जिस तरीके से बताई भूपेश बघेल जी है कि जेमन गाय ल चराते हैं ते मन के भी व्यवस्था हो जाएगी, मंत्री मन के इनकम एक टन बांध दे जाए, एक बाद में जो जो फायदा हो सका है तेला टारगेट की जाए। लेकिन एक दूसरा पहलू अगर राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब में अगर बात करें तो गाय लगातार बीजेपी के एक टन बड़े मुद्दे रहे, तेला टारगेट करे है कांग्रेस और निश्चित तौर पर एला एक जवाब दे के ही बात कर सकता था कि कांग्रेस जवाब देते गौ माता के नाम पर जितने ढंग के राजनीति बीजेपी की तरफ से हो या फिर जिस तरीके से उठावा बीजेपी के मन कांग्रेस से कहा था कि हम मनोभाव पूछे हुए और ये तरीका थे पहला जवाब दे की भी बात है। दूसरा बात है कि पूरा योजना के बारे में मैं बता देता कि जो आवारा पशु मन अभी कुमार के गाँव में जो फसल का नुकसान पहुंचा केवल निजात को विवेश करी खबर की मतलब एक जो मैदान रही थे ना चारों तरफ से घेरे जाई रुपए के रुपए के राय के उम्र उमन भर चारा की व्यवस्था करे जाई उमन बाहर नहीं निकल सके वो पूरा कंपाउंड है, तो एक तो जो फसल की बर्बादी होती है वो रुकी, दूसरा तरफ से ढंग के बताई कि वहाँ के जो गोबर रही तेला संग्रहित करे जाइए और गोबर गैस के प्लांट लगाए जाइए और गाँव में आदमी मतलब वाला दे जाइए बहुत सस्ता गाँव के तौर पर होकर बाद में जो कंपोस्ट खाद की बात कर रहे थे कल आजकल बहुत ज्यादा रासायनिक खाद के उपयोग किए जा रहे हैं खेती किसानी में होकर जो नुकसान है ते हम उनके स्वास्थ्य को भी देखे और करते लगातार ये कहे जाते हैं कि जैविक खाद के इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करा दिखावर की रासायनिक खाद में काफी बीमारी बनते हैं जानवर तेल खेला बड़े बड़े जो जानकार आदमी थे उमन बोल रहे थे ये देश जो अभी एक पहल है। तीसरा पानी के जो बात नरवा हमारी यहाँ पानी नहीं है नदी और नरवा दोनों हर गाँव में कनेक्ट मिल नहीं बचत लेकिन पानी के उपयोग को ढंग से नहीं हो पाए तब नरवा के भी उपयोग किए जाए नरवा कैसे संग्रहित रखे होकर कैसे बढ़िया होकर ओला रखे जा सके जो कचरा का फायदा हो सके जा सके गाँव उन्नति के रास्ता ले जाए पर जरूरत हो चुके हैं। और गुरुवा की जैसे बात करी जाए कि गुरुवा यानी जो पहली अमन के गाँव गाँव में पहली देखा कि गुरुवा बनाए वो मैंने अमन जैविक खाद बना जो भी गोबर रहे थे गुरुवा में डाले जाए वही जैविक खाद ना भेज खेती किसानी को कब वो फसल और हमारे मिट्टी के जो रासायनिक जो क्षमता रहते कब वो कमी नहीं होती है। लेकिन अभी जो देखे जाते कि जगह जगह जो खेती किसानी करे की जगह है हमारे खेत है ते उनके मिट्टी में हमारे भी अब रासायनिक दर कम हो जाते कारण की हमारा उपयोग कर अलग अलग खाद बन के जैविक खाद के इस्तेमाल बहुत कम तो ये हमें फायदा हो रही है। तीसरा बाड़ी की बात करते बाड़ी जो भी सब्जी फल फूल जो भी लगाना रहे एक वो आमदनी के स्रोत रहे, दूसरा जो खर्चा रहे फूल बचाए प्रमोशन किए जाए निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय पहल जिला कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल सरकार के किए जाते। तो प्रवीण जी ये जो योजना ला कहे जाते कि भिलाई के चाठी गांव में पहली लागू करे जाही ओकर बाद एकर का रिजल्ट आते ओला देख के फिर पूरा प्रदेश में लागू करे के योजना बना जाए तो कौन कौन गांव ला एकर चुने का है एकर कोई जानकारी है? नहीं पाटन क्षेत्र के दो एरिया के पाटन इलाका के चार गांव अभी फिलहाल एक कह सकता हूं कि वहां पहले एकर परीक्षण किया जाए एला पूरा ला प्रयोग किए जाए वहां प्रयोग सफल होते कि नहीं होते वहां का सुधार करे के जरूरत है ये सब लोग वाला पहले निश्चित तौर पर अच्छा बढ़े अगर कोई भी पहल किए जाते हैं राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से उनके प्रायोगिक तौर पर पहली योग्य परीक्षण किए जाते हैं कोई दो चार जगह में तो वो प्रक्रिया अभी पाटन क्षेत्र के चार गाँव ला चुने गए वहां ला करे जाए और अगर वहां सफलता मिली तो पूरा प्रदेश भर में करे के सरकार के जो इच्छा है वो लगा। अच्छा प्रवीण जी एकर बारे में एक सवाल ये रही से कि ये जो योजना है गांव में जो उन गरुआ राखे जो उन मवेशी राखे ओ मन के लिए और जो आवारा मवेशी जो सड़क मन में घूमत रहे का ओ मन ल ए मा रखे जाइए गौठान के अंदर में? निश्चित तौर पर देखा अभी
हर जगह देखा तो जब भी रास्ता बन जाता तो कार मा बाइक मा जेब मा भी आना जाना करा तो ही हमारे प्रदेश भर के सब जनता की बात है वो मन देखा तो ही कि हमारा पशु मन चाहे गाय हो महिला हो भैंस हो भैंसा हो सब तो मतलब रास्ता मत दिख जाते हैं मतलब रोड मत दिख जाते हैं बड़े बड़े जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी भी बताए कि बहुत दुर्घटना भी एक ऐसे हो है जेमा आदमी मन के भी मौत हो है और गाय गरुआ मतलब नुकसान पहुंचे तो निश्चित तौर पर ये जब ये पूरा योजना है लाया जाए तो जितना हमारा पशु मन लग चुकी हो गाँव के ही पशु मन लग भेजते हैं काबर की मन के चारा की व्यवस्था नहीं है गौहान जो गाय के चराए पर जगह चाहिए वो अब गाँव में पहुंचे नहीं कोई ना ध्यान में रखा तो है चलाया जाते ताकि इतना सड़क पर घूमने वाला गाँव के मन मत छुड़े और अगर मौजूद अगर छुड़े जाए तो फिर ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई भी किया जानी है वो बोला गया लेकिन हालांकि ये ध्यान है कि अब जाए के बाद में कोई भी गाय गरुआ जीवन पालते हैं मतलब अपन गाय गरुआ को सड़क में छोड़े की जरूरत नहीं पड़े जी। तो प्रवीण जी एक हर से तो लोगन मन ला रोजगार भी उपलब्ध हो ही बिल्कुल रोजगार उपलब्ध हो बेच करी का पर ये अब का बड़ा ही होता है जब चरवाहा जो होता चराते हैं हमारे गाँव के वो बोला जो मान रहे वो होते जाई एक पूरा परिवार उपलब्ध से हो ही और पूरा प्रदेश में अगर है वो ही है तो लाखों की संख्या में रोजगार इस हिसाब से अगर देखे जब गोबर गैस प्लांट लगाते वहां रोजगार उपलब्ध हो ही कौन तरीका से प्रमोशन करना है किसी गाँव में ले जाके लगाना है एमा बहुत जल्द रोजगार मिली है बहुत अच्छा। उम्मीद है सरकार लगी लाखों आदमी लगे फायदा हो जैसे सरकार कहा थे कि वहाँ ला सब चीज के व्यवस्था होगी चारा की व्यवस्था होगी गरुआ मन ला रखे के व्यवस्था होगी ये तो हो गए गरुआ के बाद और जब नरवा के बात करे जाते तो नरवा ला कौन तरह से संरक्षित करे जाए ही देखा नरवा ला हमारे यहाँ जो भी नरवा जो गाँव में बैठे वो जनरली बरसात के दिन में पानी रहते हाँ। बाद में होकर पानी सुखा देते जेमा का होता है कि जो बहुत सारा पानी है वो वेस्ट चल देते चाहे नदी में मिल जाते और नदी के बाद में वहाँ समुद्र में चल देते अब ये कहे जाते हैं जिस तरीका से नदी ने रोकेंगे वो स्टाफ जब बनाएंगे जिस तरह योजना चलाए है सरकार पिछले वाला सरकार वही हिसाब से वो कहते हैं कि नरवा के जो पानी है जिला स्टाफ ने बना बना के जगह जगह में वो रोकी जाए बरसात के टाइम ताकि जो नरवा को पानी की उपलब्धता बने रहे ऊपर उपयोग हो सके जैसे गाँव में जो आम जो काम काज पर तो लगभग करेंगे वो खेती बाड़ी में भी आस पास के आदमी अगर ऊपर उपयोग करना चाहिए बरसात के बाद में भी तब वो ऊपर उपयोग किए जाते हैं वैसे तो वो एक योजना है अभी प्रैक्टिकली देखने में लगी थी पानी रुकी नहीं रुकी कैसे जैसे नदी में भी बोले जाते हैं कि नदी के भी जो योजना बनाए गए वो बहुत सुधार की जरूरत है लेकिन अभी प्रायोगिक किसान गाँव में शुरू अच्छा। प्रवीण जी बहुत बढ़िया जानकारी आप मन नरवा घुरवा बारी योजना के दिए हवा और आगू जानकारी आप मन से फिर जुड़वो जय जोहार। धन्यवाद।